और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं पहली बार इस लोकोमोटिव को देख रहा हूँ जो कि पहला लोकोमोटिव है बीकानेर सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइन पे चलने वाला। अब यार देख रहा हूँ लास्ट टाइम के 10 मिनट के अंदर अगर ट्रेन आ जाती है तो फिर जाते नहीं, तो फिर आज का ट्रैवल कैंसिल। तो भाई का सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो भाई नोखा के सारे लोग भाई को जानते हैं। क्या बोल रहे हो अरुण भाई? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। और आज थोड़ा लेट ही उठे थे वैसे भी, तो आज हम जाएंगे नोखा क्योंकि एक इवेंट है, तो उस इवेंट के लिए बातचीत करके आनी है क्योंकि आपको पता ही है कि भाई आपका कोरियोग्राफर है, तो वही थोड़ा बहुत इवेंट के काम से जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में ट्रेन है हमारी, तो जाते हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ से पकड़ते हैं हमारी ट्रेन। तो यार बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं बनाया ना, आप सबसे मिले हैं तो आज आपसे मिल रहे हैं, तो अभी जाते हैं बाहर और अपनी बाइक निकाल के चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। टाइम हो चुका है 1:20 या 30 मिनट, क्योंकि यार लेट हो चुका हूँ, 2 बजे की ट्रेन है, तो आई थिंक मुझे निकलना पड़ेगा नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगी। अंजलि गई है बाहर क्योंकि उसकी थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब है, तो आज वो ब्लॉग में नहीं आएगी, बट उसका एक चैनल है जैसे कि आपको पता है अंजलि सारस्वत ब्लॉग, तो जाके आप उसको सब्सक्राइब कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं, अभी लेट हो रही है। तो भाई हमारे घर पे आई है छोटी सी क्यूट क्यूट सी बच्ची जो कि हमारे अंती की पोती है। ये अंती बैठे हैं हमारे यहाँ पास में, आपने देखा होगा इनको हमारे पिछले व्लॉग्स में। तो भाई कैसी हो बाबूजी? ये घूमती रहती है दादी के साथ, तो मिलते हैं आपको, अभी चलते हैं। तो यार यहाँ पे खड़ी है हमारी धन्नू रानी जिसकी तो हालत बहुत ख़राब है, मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो आज इसको निकालते हैं, वापस आके इसको वॉश कराएंगे, इसकी सर्विस करवाएंगे, यार बहुत टाइम हो गया इसकी सर्विस नहीं करवाई है। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन, तो वहीं पर खड़ी करेंगे इसको और वापस आएँगे इसी से रात को 9 बजे वापस ट्रेन से। सो लेट्स गो। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और आज हमारी ट्रेन लेट है 2 घंटे। भाई मैं तो बहुत पहले आ गया आज तो यार, पर क्या करें, अब वेट करेंगे थोड़ी देर, फिर नहीं तो फिर घर पे जाएंगे, घर पे जाके फिर वापस आएंगे 2 घंटे के बाद। ट्रेन 4:10 पे पहुंचेगी यहाँ पे और उसके बाद वहाँ लेट हो जाएगा, तो बस वेट कर रहे हैं और क्या करें। तो एक दिन मैं आपको पूरा रेलवे स्टेशन का टूर दूंगा, हमारे बीकानेर रेलवे स्टेशन का, जो कि बहुत ही शानदार है। बाकी अभी देखो यहाँ पे बहुत मस्त काम हुआ है इन दिनों में, बहुत कुछ चेंज हुए हैं यहाँ पे, बाकी पूरा टूर में आपको बहुत जल्द। अभी वेट करते हैं और उसके बाद ट्रेन आएगी, फिर ट्रेन में निकलते हैं। तो दोस्तों ये है बीकानेर का रेलवे स्टेशन और अभी इलेक्ट्रिक लाइन का काम स्टार्ट हो गया है और मेरे को लगता है कि अगले साल तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट हो जाएगी जयपुर टू बीकानेर की तरफ। और भाई साहब देख सकते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा काम हुआ है बीकानेर रेलवे स्टेशन पर इन 2-4 सालों में, बहुत तरक्की करी है भाई। और ये देख लो आप, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो फुल ऑन जोरों पे है, चल रहा है और मेरे हिसाब से ख़त्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। बीकानेर मंडल का निरीक्षण यान है, यहाँ पे पूरी टीम जाती है निरीक्षण करने के लिए, तब इसको यूज़ करते हैं। बाकी बीकानेर रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन। देखो तो अगर बीकानेर का देखो आप यार, अभी हम निकलेंगे थोड़ा लेट हो जाएंगे पर चलेंगे जरूर, इसी ट्रेन में चलेंगे 4 बजे वाली में। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के पोर्ट्रेट वीडियो से, जो कि बहुत ही शानदार है। मतलब मेरी फ्रेंड ने अभी आईफोन 14 लिया है, 14 प्रो, और भाई साहब उसकी और इसकी क्वालिटी सेम है भाई, एकदम सेम। देख सकते हो आप पीछे का जो है पूरा ब्लर कर दिया है और जैसे आप पास आते हो तो मतलब एकदम मक्खन की तरह चल रहा है यार इसका ब्लर जो आप पीछे देख रहे हो। और बाकी ये रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखाई दिया, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी तो फिर ट्रेन पे चढ़ेंगे और उसके बाद बात करेंगे आगे, लेट्स गो। तो भाई ट्रेन तो लेट है तो हमने लिए लस्सी और थोड़ी देर इससे टाइम पास करेंगे और उसके बाद वेट करते हैं अपनी ट्रेन का और चलते हैं। तो भाई लोग 3 घंटे वेट करने के बाद भी अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है और अब यार
देख रहा हूँ लास्ट टाइम के 10 मिनट के अंदर अगर ट्रेन आ जाती है तो फिर जाते नहीं, तो फिर आज का ट्रैवल कैंसिल और जाना पड़ेगा घर वापस। पहले मैं सोच रहा था घर पे जाऊँ और वापस आऊँ, बट घर गया नहीं और अभी यहीं पे है स्टेशन पे। बहुत सारी ट्रेनें आई, बहुत सारी चली गई। अब चलते हैं यार, देखते हैं एक बार प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है वहाँ पे आ जाती तो ठीक है, तो फिर चलते हैं वापस घर पे। भाई अभी हम जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और देखते हैं क्या होता है। भाई वैसे एस्केलेटर लगे हुए यहाँ पे, आपको जोर नहीं आता ऊपर चढ़ने में। बाकी यार सच में आज तो बहुत परेशान किया यार इस ट्रेन, 3 घंटे वेट करवा दें, 3 घंटे सो गए। चलो बाकी अब देखते हैं, अगर ट्रेन आती है चलते हैं, तो फिर वापस चलेंगे घर पे और जहाँ पे जाना था वहाँ पे जाना कैंसिल करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्या करें। जैसे मैंने बताया कि हमारे बीकानेर में इलेक्ट्रिक लाइन आ चुकी है, दिल्ली का जो रूट है वो अब बहुत जल्द चालू होने वाला है और आज इसका इंस्पेक्शन था, सक्सेसफुली इंस्पेक्शन हो चुका है और ये गाड़ी एकदम अच्छी तरीके से चल गई है। तो पहली बार दिल्ली से बीकानेर के रूट के बीच में ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चला है आज के दिन, और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे बीकानेर सिटी में भी इलेक्ट्रिक लाइन बहुत जल्द आने वाली है। नेक्स्ट ईयर मार्च तक दिल्ली टू बीकानेर का भी रूट स्टार्ट हो जाएगा। जयपुर थोड़ा लेट होगा, बाकी दिल्ली वाला रूट जल्दी हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पहला जो कि बीकानेर में आया है और इसने सक्सेसफुली अपना इंस्पेक्शन कंप्लीट किया आज, और ये इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन जो कि जयपुर से आई है तो आज इसका इंस्पेक्शन था। बहुत मज़े की बात है और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं पहली बार इस लोकोमोटिव को देख रहा हूँ जो कि पहला लोकोमोटिव है बीकानेर सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइन पे चलने वाला। सो गाइस अभी हम हैं नोखा में और हमारे साथ है एसके भाई और अरुण भाई, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि भाई ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे, ट्रेन लेट हो गई, फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा था तो उस ट्रेन में नहीं बैठ पाए। उसके बाद किसी इनके ही फ्रेंड के साथ हम आए नोखा और गाड़ी में आ गए और अब वापस अब जा रहे हैं। तो अब हम जाएंगे ट्रेन में फाइनली, तो अब ट्रेन आने वाली है 20-30 मिनट में। तो हम आए अरुण भाई के घर पे और हमारे साथ हैं एसके जो कि अभी जा रहे हैं बड़ी ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हो भाई? कश्मीर भाई जा रहा है, कश्मीर, ठीक है। अभी मेरे को बोलता है तो आज चल देते हैं, पर अभी नहीं जा सकता यार क्योंकि घर पे भी मतलब अंजलि की तबीयत खराब है, मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है, तो एक बंदा चाहिए घर पे, तो यार जा नहीं सकता। बाकी नेक्स्ट टाइम कभी प्लान बनेगा तो भाई के साथ जरूर जाएंगे। बाकी भाई ने कहा टिकट विकेट सब हो रखी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। इसको बोलते हैं जिगरा। वाह यार भाई मस्त है अपना, ठीक है। और भाई को सपोर्ट करो इंस्टाग्राम पे, भाई के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो भाई ये वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पे करता हूँ, भाई के फॉलोवर्स अच्छे हैं, तो वापस आके मैं लिंक भेजूंगा भाई, लगा देना ना। तो भाई का सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो भाई नोखा के सारे लोग भाई को जानते हैं, आसपास के गांव वाले भी जानते हैं, हमारे अरुण भाई को भी जानते हैं, ये हमारे नेता है अभी लेटेस्ट। मतलब ऐसे लोगों के सामने खड़े हैं जिनके सामने लोग खड़े नहीं होते। हैट्स ऑफ है हमारे अरुण भाई को, हमारे लिए तो यही विजेता है, सही है। तो अभी बस अब भाई की 11 बजे ट्रेन है और मेरी ट्रेन है अभी 9:45 में, 9:30 हुए। भाई की ट्रेन है, भाई जाएगा जयपुर, आज ही सुबह, कल सुबह मॉर्निंग, तो भाई कल सुबह जा रहा है। तो अभी तो हम जाएंगे, तो अभी निकलते हैं वापस रेलवे स्टेशन के लिए, भाई से मिलने आए थे, मिल लिए। अब भाई जाएंगे कश्मीर मौज करने के लिए, तो मिलते हैं भाई। सबको बोल दे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, करना ही चाहिए, यही है करने लाइक तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आइकन को बजा देना। आइकन क्या 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 आइकन बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो अरुण भाई? बेल आइकन को, अरे कहना क्या चाहते हो? बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीछे चल रहा है करोड़पति अंकल, करोड़पति देख रहे हैं हमारे। बाकी अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं ब्लैक एंड बेल। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको अभी रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी आज इस वीडियो को वैसे खत्म करूंगा, बाकी बीकानेर जाके ही खत्म करूंगा, तो मिलते हैं।
सो गाइज अभी हम रुके हैं देशनोक में, माँ करणी का यहाँ पे मंदिर है बहुत ही शानदार, तो यहाँ पे अभी रुके हैं और अब यहाँ से जाएंगे बीकानेर। तो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होना तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई अगर कुछ अच्छा लगा होना तो इस वीडियो पर कमेंट कर देना, और कोई भी सजेशन हो आपके तो वीडियो में जाके आप कमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी सजेशन होगा तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।